गुड आफ्टरनून क्लास 11th, ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाली क्लास में आपको लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे वो ट्रुथ टेबल का यूज करके सॉल्व कराए। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो गेट्स का यूज करके होंगे। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, उसके बाद फिर कौन कौन से गेट्स होते हैं और किस किस तरह से यूज किया जाता है। अभी स्टार्टिंग में तो ये तीन गेट बताए गए हैं, इसके बाद और दो तीन और गेट्स आते हैं उनका उनको आगे की क्लास में बताया जाएगा। इनके बेस पे भी आपको क्वेश्चन करना है, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे ट्रुथ टेबल का यूज करके क्वेश्चन वेरीफाई करने होते थे, तो सेम वही चीज यहाँ पर हम गेट्स का यूज करके क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे या उसका आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। लॉजिक गेट्स होते क्या है, देखो लॉजिक गेट्स के जानने से मतलब इन गेट्स को जानने के पार्ट्स होते हैं उनको जानने से पहले जानने लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे एक ऐसे छोटे सर्किट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स का यूज़ करके हम ऐसे माइक्रोचिप कह लो या ऐसे छोटे छोटे सर्किट होते हैं जिनका यूज होता है प्रोसेसर को बनाने में। जो प्रोसेसर होता है वो इतनी छोटी सी चिप होती है, उसके अंदर ये लॉजिक गेट्स का यूज करके उन प्रोसेसर को बिल्डअप किया जाता है। जितनी भी तरह की कैलकुलेशन या और जो भी चीज़ें परफॉर्मेंस जो भी परफॉर्मेंस होती है वो इन्हीं गेट्स का यूज करके सारी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है इन्हीं गेट्स का यूज करके कंप्यूटर करता है। मेन इसका जो बेसिक पर्पज है वो पर्पज ये है कि ये लॉजिक गेट्स का यूज करके आपका प्रोसेसर डिजाइन होता है, प्रोसेसर के अंदर जो भी मटेरियल लगा होता है उन्हीं गेट्स से बना हुआ होता है। यहाँ पर हमको गेट्स को बिल्डअप नहीं करना है, लेकिन वो गेट्स किस लॉजिक से काम करते हैं, किस लॉजिक से उसमें उस किस तरह के सर्किट बनते हैं, उससे किस तरह का आउटपुट मिलता है, उसको हम कॉपी पे डिफाइन करेंगे। साइंस में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर आप सर्किट बनाते हो साइंस में और उसमें करंट फ्लो होता है, तो वो आप वायर का यूज करके तो नहीं बनाते हैं, वो आप पेज पे कॉपी पेन पे ही बनाते हैं। उसी तरह यहाँ कॉपी पेन का ही यूज करके पेंसिल का ही यूज करके यहाँ पर हमको वो सर्किट डिजाइन करना है। तो जो काम हम लोग पहले ट्रुथ टेबल से करते थे सेम वही काम हमको अब ये गेट्स का यूज करके करना होगा। तो लॉजिक गेट्स हमारे छोटे मतलब ऐसे सर्किट्स होते हैं जो जिनका यूज हमको माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करने में किया जाता है। बेसिक पता है इसको माइक्रो प्रोसेसर या इस तरह की और बहुत सारी चिप्स होती हैं उनको डिफाइन करने में इसका यूज होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स में भी ये पार्ट आता है, लेकिन फिजिक्स पार्ट जहाँ तक मुझे पता है एमएससी में आता है। जब आप एमएससी फिजिक्स करोगे तो उसको एक पेपर में एक पार्ट में ये लॉजिक गेट्स के बारे में बताया गया है। तो ये है फिजिक्स में ही पार्ट, लेकिन कंप्यूटर में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसकी वजह से इसको कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी अलग से भी मेरे पास एक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बुक है, तो वो मैंने एमएससी में परचेज की, उसमें ये पार्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, लेकिन आपके कोर्स में उतने डिटेल में नहीं है, आपके कोर्स में कुछ ही पार्ट बताया है। जब जो लोग भी बीटेक करेंगे तो आप ये चीज़ें वहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो बहुत बहुत ज़्यादा वॉइस की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने माइक का यूज़ किया है कि थोड़ा सा उससे क्लियरिटी आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी क्या करें उम्मीद ना करें, क्योंकि वैसे इतना शोर होता है स्कूल में पहले से मतलब वैसे यार भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चलता ही रहता है, इसकी वजह से बहुत सारी नॉइस क्रिएट होती है, ठीक। तो माइक का इसीलिए यूज़ करना है कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, लेकिन बहुत से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो माइक बिल्कुल अगर मुँह में रखें तो भले आवाज़ आएगी, लेकिन उससे कुछ भी बताते हैं एक्सप्लेन करते हैं मुझे खुद को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी वॉइस आ रही है इसी तरह से आप चला रहे हैं, दूसरा कोई प्रयाव हो गया वास्तव में इस समय से और चीज़ें भी है। जो लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर होते हैं, जो लोग यूट्यूब पर आते हैं उनके वो लोग सारे इस तरह के रूम्स यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पूरा वीडियो शूट करने के बाद उसमें वॉइस अलग से इंप्रूव हो जाती है, तो वो यहाँ नहीं पहुँच सकता है। यहाँ रूम मेन आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब का यूज़ करता है, बाकी आपके यूट्यूबर होते हैं ठीक है। देखो सबसे पहले आता है हमारा नॉट गेट, उसके बाद आता है और गेट, फिर आता है एंड गेट। नॉट गेट में क्या होता है, जो भी हम इनपुट देंगे ठीक उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम लोग एक नॉट गेट बनाते हैं तो हमारा इनपुट होता है 0, आउटपुट हो जाएगा 1। अगर ये नॉट गेट में यूज किया है तो दिया है 0, जस्ट उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ठीक उसका आउटपुट हो जाएगा 1। और अगर हम 1 इनपुट देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। जब भी हमको x डैश मान लो हमको तीन इनपुट होने दिए हैं x y z, अब इनके हमको कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं x डैश y डैश z डैश, ठीक है। ऐसे कैसे नॉट गेट, ये भी सर्किट में हर जगह भी यूज करेंगे, जितने भी आपके सर्किट डिजाइन होंगे उसमें हर जगह यूज करना होगा, वहाँ पर बिना नॉट का यूज किए वो होगा ही नहीं। नॉट गेट का यूज करके हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट
तो हमने आउटपुट क्या आया, अगर हमने इनपुट 1 दिया है तो 0 आएगा, 0 दिया तो 1। और गेट के काम का मतलब है और गेट के इसमें जो इनपुट दिए हैं x और y, तो ये क्या करता है, जो भी जितने भी इनपुट दिए जाएंगे उनका करता है ये एडिशन। जैसे आपने एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है ट्रुथ टेबल में, तो वही सेम चीज यहां पर भी ट्रुथ टेबल में होती थी एडिशन, वही एडिशन यहां पर भी होता है, यहां पर इस तरह के गेट का यूज करके होता है। तो ये थोड़ा सा डिजाइन इस तरह का, इन दोनों के डिजाइन में फर्क, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, इसका डिजाइन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का। तो ये आपका और तो फिगर देख के समझ में आता है कौन सा है, इस पे अगर x और y इक्वल है तो आउटपुट आपका होगा x plus y। ऐसे जैसे बाइनरी एडिशन होता है, यहां हमने मान लिया यहां से लिए तो 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 1, 0 0 plus 0 0। अगर ये हम लोग तीन इनपुट करते हैं यहां पर, मान लो कि इनपुट बढ़ा है और कुछ भी होगा बढ़ रहा है, जैसे यहां से तीन इनपुट दे दिए x y z, मान लो तीन इनपुट दे दिए, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, ये इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया और एक इनपुट ये हो गया, x y z यहां का सब जाएगा x plus y plus z। मतलब यहां पर हमको ऐसा नहीं कि इसको टेबल में हम पहले x और y का एडिशन कर देते हैं, फिर y के साथ ज्यादा करते हैं, यहां पर तीनों एक साथ है, इसी एक का यूज करके वो तीनों चीजें एक साथ परफॉर्म करते हैं, कितने भी इनपुट हो वो लास्ट में एक बार में सारा आउटपुट देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, अब यहां से नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं कि कंप्यूटर प्राइस में कंप्यूटर पे जाकर कंप्यूटर कुछ नहीं करता है, चैप्टर में जितना कुछ है कॉपी पेन पर करना कुछ। थर्ड आपका एंड, एंड ये किसी और का होता है, एडिशन एंड होता है मल्टीप्लिकेशन, यहां आपका एक्स और वाई इनपुट है, तो हो जाएगा एक्स डॉट वाई, ठीक है, मतलब एक्स इनटू वाई और वाई से y, पर अगर वो तीन इनपुट होगा तो ये उसी तरह से तीन मिलेगा, ये d की शेप का होता है, ऐसे d जैसा बना होता है ये सर, ठीक है, ये इसका आउटपुट है, यहाँ f से बड़े टू जो कि हम इनपुट देंगे, और तीन इनपुट है तो ये दो तीन, मान लो x y z तीन इनपुट है, x y z का आउटपुट हो जाएगा x into y into z, ठीक है। तो जहां पर भी ये मल्टीप्लिकेशन करना है वहाँ हम एंड गेट का यूज करते हैं, जहाँ हमको एडिशन करना है वहाँ हम और गेट का यूज करते हैं, जहाँ हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है वहाँ पर हम नॉट गेट का यूज करते हैं। ये तीन जैसे गेट होते हैं, और भी गेट्स हैं लेकिन वो इन्हीं का मिक्सचर है, इन्हीं को मिक्स करके बनाया, आगे तीन और गेट्स आपको पढ़ने को मिले थे आगे के चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे आगे के चैप्टर में इसी चैप्टर में आगे, तो इसी इन्हीं इन्हीं तीनों का यूज करके बनाया, ठीक है। ये बेसिक तीन गेट्स होते हैं जो काम आप अभी तक आप ट्रुथ टेबल का यूज करते कर रहे थे, सेम वही काम आपको इन गेट्स का यूज करके करना होगा। इसके डायग्राम बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर बनाकर दिखाएंगे किस तरह से बनते हैं, और फिर आगे आपको उसी तरह से क्वेश्चंस के भी उस तरह के डायग्राम बनाने होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन जो दिया होगा, क्वेश्चन में लिखा होता है कि बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल या फिर बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, अगर लॉजिक गेट्स का यूज करके हमको प्रूफ करना है तो हम डायग्राम बनाएंगे, और अगर ट्रुथ टेबल का यूज करके प्रूफ करना है तो वो चीज़ हम लोग फिर ट्रुथ टेबल, जैसे आपने देखा ही ट्रुथ टेबल किस तरह से डिजाइन होता है तो उसका यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व बताते हैं किस तरह से यूज करते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले। देखो पेज नंबर 75 पर आपकी बुक में पेज नंबर 75 पर एग्जाम्पल 16 में, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ पेज नंबर 75 के लास्ट में ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट एंड ड्रॉ सॉरी डिजाइन अ लॉजिक सर्किट एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन a plus b into c। इस एक्सप्रेशन के लिए हमको एक लॉजिक सर्किट और लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है, गेट्स का यूज करके हमको इसको ड्रॉ करना है, इस तरह से मिलेगा। देखो ध्यान से, सबसे सिंपल वाला मैंने बताया था, बहुत छोटा सा है, इसके बाद से बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाला दिया, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ए और बी का एडिशन करना है, जो एडिशन आएगा और सी के साथ मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको पहले बताया था एडिशन करना होता है, तो हम यूज करते हैं और एक और गेट हम बनाएंगे, उसमें हम एक ए पास करेंगे, ए बी पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका आउटपुट जो आएगा एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हमारा ऑटोमेटिकली है, ठीक है। इसमें हमको करना कुछ नहीं, बस डिजाइन करना होता है, इसमें वैल्यूज वैल्यूज कुछ नहीं फाइंड आउट करना, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई एडिशन नहीं करना है, बाइनरी यहाँ पर इस तरह का डिजाइन, एडिशन करना था ए और ए, ए और बी का एडिशन करना था, ए इनपुट हो गया ए, ए इनपुट हो गया बी, उसका आउटपुट आ गया ए प्लस बी, इतना पार्ट हमारा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है सी, ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम ए बी का यूज नहीं करेंगे, ये जो आया ये जो आउटपुट आया इस आउटपुट का यूज करेंगे, अब इस आउटपुट की एक लाइन निकालेंगे, ये लाइन आगे,
मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये एंड, एंड ग्रेड का यूज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई किया है और यहाँ फाइनल आपका आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी। ठीक, ये हम हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का एडिशन करना है और एडिशन को मल्टीप्लाई करना है सी से। ठीक है, सबसे पहले हम इस पार्ट पार्ट का करते हैं ए प्लस बी का एडिशन। एडिशन करें हम पहले क्या करते हैं, जब एडिशन का यूज करेंगे तो हम लोग और गेट का यूज करेंगे, ये और गेट का इसके डिवाइस इस तरह प्रोडक्ट ऑफ फॉर। ठीक है, तो ये हमारा एंड हम लिख दे रहे हैं, लेकिन कैसे लिख दिया ये डी की तरह होता है। तो जब एडिशन करना होता है और गेट का ए और बी का एडिशन करना है दो इनपुट है, एक बी है एक बी है, दोनों को इनपुट किया और उसका एडिशन हो गया एक प्लस। अब ये ए प्लस बी हम बोलेंगे, अब इस ए प्लस बी जो मिला है उसको हम आगे ऐसा a प्लस बी सी प्लस डी। हमारा क्वेश्चन कहता हुआ है कि a प्लस बी सी ठीक है इसी है और प्लस d कॉम्प्लीमेंट ठीक है d डैश। इसको हम लॉजिक गेट से यूज करके करना है, यहां पर हमारा चार है ठीक है और नहीं आउटपुट हम को लेना है। a तो हमारा मौका है b और c का मल्टीप्लिकेशन करना, b का कॉम्प्लीमेंट करना है तो d डैश का ठीक है। पहले तीन इनपुट को चार इनपुट को कितने इनपुट को एडिशन करना होगा और गेट लगाना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा
इन तीनों का हमको कराना था एडिशन। ये तो नॉर्मल और नॉर्मल ही पास करते हैं, डी नॉर्मल लेकर डी को देखते हैं अगर डी डैश पास करना है तो हमने डी इनपुट लिया और साथ में ये रो लगा दिया नॉट ये, जिससे वो डी जो है डी डैश में फिर इसी क्या होगा तो अभी कंटिन्यू। ठीक, बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार आप देख प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा इस तरह से कोड आया है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, इसीलिए छोटे छोटे काम बता रहे, बाद में बहुत बड़े होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें एक साथ इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, थोड़ा सा और वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एक और बताते हैं इसी तरह का यूज करके, तो बाकी इसको फिर आप थोड़ा करने में देखेंगे कि आप कर पाते हैं, जो अगर नहीं होगा तो थोड़ा जितने लोग नहीं नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन से आप देंगे मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आपको लॉजिक सर्किट करना होगा, तो अगर फेयर कॉपी में जब आपको करना होगा तो पेंसिल का यूज करना होगा, रास्ते में फिलहाल आपको पेन का यूज करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक और बताते हैं ए बी प्लस ए सी डैश, ठीक है देखो बुक में तो अलग दिया हुआ है पर उसको चेंज कर दिया है मान, एक एग्जांपल है सिंपल वाला एग्जांपल नंबर 18 ए बी प्लस ए सी डैश, ए सी ए सी के पूरे के ऊपर डैश होगा, ठीक है, मतलब पहले हमें इसको फाइंड आउट करना होगा उसके बाद उसका नॉट गिवन एक और मैथड है कि हम इसको यूज नहीं करते कम से कम,
यहां पर मैंने यहां से ए से पॉइंट निकाला और इसको ए डैश में कर दिया, ठीक है। सी वाले को भी हमने यहां पर एक नॉट गेट और लगा दिया, उस नॉट गेट का यूज करके ये सी वाले को भी हमने सी डैश में कन्वर्ट कर दिया। आगे जब ये स्ट्रक्चर जाएंगे तो ए डैश ए डैश एक साथ हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हमने डैश बना दिया, लेकिन इससे हम किसने नहीं करते कि हमको कम से कम गेट का यूज करके ज्यादा से ज्यादा इस तरह के आउटपुट के लिए दो गेट का एक गेट एक्स्ट्रा और लगा दिया। जो हमने पहले बनाया था उसको हमारा ये वाला कुछ करते हैं भाई, ये रिपीट है गेट को सही तो काट नहीं सकता, लेकिन इसके लिए एक हमारा एंड गेट नॉट गेट एक्स्ट्रा लगा, हमको कम से कम गेट का यूज करना है। इसलिए जो ब्रांच हमने पहले बताया था वही वाला जा रही थी बनता है, उसमें सीधे सीधे पहले ए को पास करो बी सी को पास करो फिर डिस्प्लाई करो और उसके बाद यहाँ पे इसमें ए की नॉट गेट का यूज करेंगे, दो का यूज नहीं करेंगे, मतलब गलत नहीं है लेकिन कम से कम गेट का ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाने के लिए कम से कम इनको तो ये यहाँ पर ये पास कर देंगे इसको, ये आपका आपका ए सी डैश, ठीक है। दोनों ही आउटपुट का मिस हो कोई काट नहीं सकता, फर्क एक होगा कि किस वाले पे यहाँ पर एक गेट सारा है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपको क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको डिजाइन जब करोगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ओके। बाकी इसके नेक्स्ट क्लास तक हम देखते हैं फ्राइडे को, तो उसको और क्लियर करेंगे, इसमें कैसे कैसे और डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप उसको दे देंगे, उसके बाद ये चैप्टर थोड़ा सा और बचेगा फिर खत्म हो जाएगा।